विश्व में 7 महाद्वीप हैं। इस वीडियो में केवल 6 पर चर्चा की गई है। इसके पीछे जो कारण है वह व्लॉगर की अपनी एक्सपीरियंशियल ऑब्जर्वेशन की उपज है। ये वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के हिस्ट्री के बीए थर्ड कोर्स के लिए एक रेफरेंस सोर्स के रूप में तैयार किया गया है। आप सभी का इस वीडियो प्रेजेंटेशन में स्वागत है। हम 6 महाद्वीप दिखाने के लिए 2 नक्शों का प्रयोग करेंगे। उसमें से एक नक्शा ये रंगदार नक्शा है, दूसरा नक्शा ये क्लीन वर्ल्ड आउटलाइन मैप है। ये दोनों नक्शे हर एक महाद्वीप को दिखाने के बाद बार बार दिखाए जाएंगे, जो कि देखने वाले की स्मृति में इनकी छवि पूर्ण रूप से स्थापित हो जाए। आइए पहले तो हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट को मार्क करते हैं। इसके लिए आप इस रंगीन नक्शे में अपने लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की ओर देखिए। गूगल मैप छवि नॉर्थ अमेरिका की हमारे सामने आ रही है, उसकी पिक्चर आपके सामने है। इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्यूबा, ग्वाटेमाला, मेक्सिको आदि देश दिखाई देते हैं। इसको हम अपनी चुने हुए रंगीन नक्शे के ऊपर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो पिक्चर हमें गूगल मैप में प्राप्त हुई है, उस छवि को आप इस रंगदार मैप में पहचानने की कोशिश करें। आप अपने बाएं हाथ ऊपर की ओर देखें, जो गहरे गुलाबी रंग में क्षेत्र दिखता है वो नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को हम इस रंगदार नक्शे से अलग करके देखें तो इसका आकार और विस्तार कुछ इस प्रकार का दिखता है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमारे चुने हुए रंगदार नक्शे पे जिस प्रकार दिखता है, ये इसके पॉपअप के द्वारा एम्फेसाइज किया जा रहा है। विश्व नक्शे के इस भाग को चलिए अब हम नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर कर देते हैं और उसके लिए एक बैनर यहाँ पर लगा देते हैं। रंगीन नक्शे पे तो हमने नॉर्थ अमेरिका दिखा दिया, आइए अब देखते हैं कि एक क्लीन वर्ल्ड मैप के ऊपर हम इसे कैसे पहचान पाएंगे। क्लीन वर्ल्ड मैप के में आप अपने बाएं हाथ ऊपर की ओर देखें और जिस प्रकार हमने रंगीन वर्ल्ड मैप में इसे पहचाना है, वैसे ही आकार का क्षेत्र पहचानने की कोशिश करें। क्लीन वर्ल्ड मैप पे नॉर्थ अमेरिका का आकार और विस्तार जिस प्रकार का दिखता है वो आपके सामने अलग करके प्रदर्शित किया जा रहा है। इसे अब हम क्लीन मैप पे लोकेट करके देखने की कोशिश करेंगे। क्लीन वर्ल्ड मैप पे आपके बाएं हाथ ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्रफल और भूभाग पॉपअप के द्वारा एम्फेसाइज करके दिखाया जा रहा है। आप अपना ध्यान इस पे फोकस करें। ये आशा की जाती है कि जिस तरह की प्रेजेंटेशन दी गई है, इससे आप क्लीन वर्ल्ड मैप पे नॉर्थ अमेरिका आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपको ये क्लीन मैप पे दिखाना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो ये क्लीन वर्ल्ड मैप ही आता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस रंगदार वर्ल्ड मैप के नक्शे की मदद से हम साउथ अमेरिका दिखाने की कोशिश करेंगे। क्लीन वर्ल्ड मैप पे भी हम साउथ अमेरिका दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दूसरी बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ना तो कोई प्रश्न इस कॉन्टिनेंट के संबंध में आता है और ना ही कोई स्थान दिखाने के लिए पूछा गया है। गूगल मैप से जो साउथ अमेरिका की पिक्चर उभर के सामने आती है, वो आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। इस महाद्वीप पर इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, सूरीनाम, ब्राजील, पेरुगे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चाइल आदि देश आते हैं। आइए अब हम अपने चुने हुए रंगदार वर्ल्ड मैप के नक्शे पर साउथ अमेरिका से मिलते जुलते आकार के कॉन्टिनेंट को देखें। आप इस नक्शे पर अपने बाएं हाथ नीचे की ओर ध्यान दें तो आपको इससे मिलता जुलता कॉन्टिनेंट दिखाई देगा। हमारे चुने हुए रंगदार वर्ल्ड मैप के बाईं ओर नीचे की तरफ जिस कॉन्टिनेंट की भू रेखाएं गूगल मैप से प्राप्त पिक्चर से मिलती जुलती हैं, उसको अलग करके आपके सामने प्रदर्शित किया गया है। आइए अब हम इस पिक्चर को रंगदार वर्ल्ड मैप पर लोकेट करके मार्क करते हैं। रंगदार वर्ल्ड मैप बाएं ओर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पॉपअप के द्वारा एम्फेसाइज करके दिखाया गया है। आप उस पे अपना ध्यान फोकस करें। चलिए अब हम लोकेट किए हुए कॉन्टिनेंट पे साउथ अमेरिका का बैनर लगा देते हैं। चलिए अब हम साउथ अमेरिका को क्लीन वर्ल्ड मैप पर लोकेट और मार्क करते हैं। इसके लिए आप गूगल मैप की पिक्चर और रंगदार वर्ल्ड मैप पे जिस प्रकार से साउथ अमेरिका को लोकेट किया गया है, उन पड़ावों को याद रखें। क्लीन वर्ल्ड मैप पे साउथ अमेरिका आपको बाईं ओर जिस प्रकार का दिखाई देगा, उसकी छवि यहाँ आपको अलग करके दिखाई जा रही है। अब आप अपने बाईं ओर देखिए, साउथ अमेरिका को पॉपअप के द्वारा एम्फेसाइज किया जा रहा है।
चलिए अब हम साउथ अमेरिका पे बैनर लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रंगदार वर्ल्ड मैप पे लोकेट करेंगे और उसके बाद क्लीन वर्ल्ड मैप पे लोकेट करेंगे। अब हमारे सामने गूगल मैप से प्राप्त अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की पिक्चर है। इसमें मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, इथोपिया, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजम्बिक, जैम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका आदि बहुत से देश स्थापित हैं। हम जिस रंगदार वर्ल्ड मैप का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसके मध्य में नीचे की ओर देखें, तो हमें हरे से रंग का जो क्षेत्रफल दिखाई देता है वो कुछ प्रकार इस तरह का आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। रंगदार वर्ल्ड मैप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पॉपअप के द्वारा एम्फसाइज किया गया है, इस पे अपना ध्यान फोकस कीजिए। चलिए अब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे अफ्रीका का बैनर लगा देते हैं। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम क्लीन वर्ल्ड आउटलाइन मैप पे दिखाएंगे। आप याद रखिए कि आपको एग्जामिनेशन में केवल क्लीन आउटलाइन मैप ही आनी है। क्लीन आउटलाइन वर्ल्ड मैप में अगर आप मध्य में देखें तो आपको दिखाए गए रूप में अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई देगा। वर्ल्ड मैप के क्लीन आउटलाइन पे अफ्रीका पॉपअप के द्वारा एम्फसाइज किया गया है, आप अपना ध्यान इस पे फोकस करें। चलिए अब हम अफ्रीका पे अफ्रीका का बैनर लगा के इसको मार्क करते हैं। अब चौथे नंबर पे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को वर्ल्ड मैप पे लोकेट करेंगे। विधि वही रहेगी, पहले हम रंगीन वर्ल्ड मैप पे दिखाएंगे, फिर बाद में हम क्लीन वर्ल्ड मैप पे दिखाएंगे। यहाँ एक बात जोड़ना चाहता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऑस्ट्रेलिया के संबंध में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। गूगल मैप से हमें ऑस्ट्रेलिया की ये पिक्चर प्राप्त होती है। इसमें न्यूजीलैंड नहीं दिखाया जा रहा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य टापू मिला के ये एरिया ओशियानिक कॉन्टिनेंट भी कहलाता है। हमारे चुने हुए रंगदार वर्ल्ड मैप में आपके दाएं तरफ नीचे की ओर जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। इसे हम अपने पूरे मैप पर अब प्रदर्शित करेंगे। चुने हुए रंगदार वर्ल्ड मैप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आपके दाएं हाथ नीचे की ओर है। इसको पॉपअप के द्वारा एम्फसाइज किया जा रहा है। इसमें न्यूजीलैंड नहीं दिखाया गया, इसके बारे में चर्चा पहले कर दी गई है। यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन को जानने पर अपना ध्यान फोकस करें। चलिए अब हम इस भूखंड को ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट घोषित करते हैं। यहाँ दोहराया जा रहा है कि न्यूजीलैंड यहाँ नहीं दिखाया गया है। अपनाई गई स्टोरी लाइन के अनुसार अब हम ऑस्ट्रेलिया को क्लीन वर्ल्ड आउटलाइन मैप पे दिखाते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी विभिन्नता है। क्लीन आउटलाइन मैप के दाईं तरफ नीचे की ओर जो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया बताया गया है उसका रूप आपके सामने प्रदर्शित किया गया है। इसमें भिन्नता ये है कि जिस जगह को हमने ऑस्ट्रेलिया रंगदार आउटलाइन मैप में घोषित किया हुआ है उसके आगे दाईं ओर फिर एक छोटा सा और आइलैंड दिखाया गया है जो कि न्यूजीलैंड है। आइए अब हम क्लीन वर्ल्ड आउटलाइन मैप पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लोकेट करते हैं। यहाँ पर पॉपअप के द्वारा उस एरिया को एम्फसाइज करके दिखाया जा रहा है जिसमें साथ में यहाँ न्यूजीलैंड भी है। इसको आप अपनी स्मृति का भाग बना लें। चलिए अब हम इस भूखंड को ऑस्ट्रेलिया का बैनर लगा के ऑस्ट्रेलिया घोषित कर देते हैं। यहाँ इसका दूसरा नाम ओशियानिक अभी डिक्लेयर नहीं करते। आइए अब हम यूरोप को मार्क करते हैं। विधि वही रहेगी, पहले हम रंगदार वर्ल्ड आउटलाइन मैप पे इसे मार्क करेंगे और उसके बाद हम क्लीन वर्ल्ड आउटलाइन मैप पे इसे मार्क करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के सेमेस्टर 5th और 6th के स्टूडेंट इसे ध्यान से देखें, क्योंकि आपके 12 से 13 स्थान यूरोप में ही दिखाने आते हैं और यूरोप को पहचानने में बहुत सारे विद्यार्थी विफल हो जाते हैं। अब आपके सामने गूगल मैप से यूरोप की पिक्चर प्राप्त की गई है और इसको ध्यान से देखिए कि इसमें स्कैंडिनेवियन रीजन में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है। नीचे की तरफ बाईं ओर आइबेरियन पेंसुला में पुर्तगाल और स्पेन है। वेस्टर्न यूरोप में आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली आदि देश आते हैं। दाईं ओर बलकान रीजन में क्रोएशिया, हंगरी, रोमानिया, सर्बिया, बल्गारिया आदि देश आते हैं और ईस्टर्न यूरोप ऊपर की तरफ एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक,
रिपब्लिक आदि देश आते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए कि मॉस्को जो कि रशिया का कैपिटल है वो यहाँ दिखाई दे रहा है और बाकी रशिया इस मैप में इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि वो क्षेत्र एशिया में पड़ता है। तो ये आपके लिए कई बार दुविधा का कारण बन जाता है कि यूरोप कहाँ खत्म होता है और एशिया कहाँ से शुरू होता है, क्या दो एक मुल्क दो उपमहाद्वीपों पर फैला हुआ है। अब हमारे पेसिमन रंगदार वर्ल्ड मैप पे यूरोप लगभग कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा आपके सामने प्रस्तुत है। ये अफ्रीका के ऊपर है और स्पेसिमन मैप के बिल्कुल मध्य में है। गूगल मैप से प्राप्त यूरोप का विस्तार क्षेत्र हमारे रंगदार वर्ल्ड मैप पे पॉपअप के द्वारा एम्फेसाइज करके दिखाया जा रहा है। अपना ध्यान उस पे फोकस करें। यहाँ देखिए रंगदार मैप में एशिया और यूरोप की सीमाएं तो स्पष्ट हो जाती है, परंतु क्लीन वर्ल्ड मैप पे ये आपको दुविधा में डालने वाला है, उसकी बात आगे करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम यूरोप का बैनर लगा देते हैं। आइए अब हम क्लीन वर्ल्ड आउटलाइन मैप पे यूरोप के विस्तार को पहचानने की कोशिश करते हैं। जो पिक्चर आपके सामने दिखाई गई है ये गूगल मैप से प्राप्त और हमारे रंगदार स्पेसिमन वर्ल्ड मैप में इस प्रकार का यूरोप का विस्तार है। पर जब हम इसको क्लीन वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो कई विद्यार्थियों को कुछ दुविधा जरूर महसूस होती है जो इस बात पर रुकती है कि यूरोप कहाँ खत्म होता है और एशिया कहाँ से शुरू होता है। अब हमारे सामने क्लीन आउटलाइन मैप में यूरोप को पॉपअप के द्वारा एम्फेसाइज करके दिखाया जा रहा है। आप इस पे अपना ध्यान फोकस करें। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में तो ये प्रश्न रहता है कि यूरोप कहाँ खत्म होता है और एशिया कहाँ से शुरू होता है। रंगदार वर्ल्ड आउटलाइन मैप में तो ये कहीं हमें रेखा पर आधारित एक बाउंड्री लाइन दिखती है, पर क्लीन आउटलाइन मैप में ये स्पष्ट नहीं हो पाता। यहाँ पर हमें फिलहाल इतना ही जानना है कि यूरोप कहाँ पर वर्ल्ड आउटलाइन मैप में स्थापित दिखाई देता है। चलिए अब हम यूरोप का बैनर क्लीन आउटलाइन मैप पे लगा देते हैं और यहाँ आप देखें यूरोप और एशिया के मध्य कौन सी सीमा रेखा है ये बिल्कुल नहीं दिखाई जाती है। अब हम विश्व के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट और छठे कॉन्टिनेंट एशिया को विश्व मैप पे लोकेट करते हैं। इसमें विधि वही रहेगी, पहले हम रंगदार वर्ल्ड मैप पे इसे दिखाएंगे और उसके बाद क्लीन आउटलाइन वाले वर्ल्ड मैप पे इसे दिखाएंगे। अब आपके सामने गूगल मैप से ली गई पिक्चर आ रही है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखते हैं और ये प्रश्न करने लगते हैं कि यहाँ तो कुछ अफ्रीका के क्षेत्र भी दिखाए जा रहे हैं और यूरोप के भी कुछ क्षेत्र दिखाए जा रहे हैं, तो अगर आप लगातार इस वीडियो में बने हैं और ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आपने जितना समय लगाया उसका भरपूर फायदा उठा लिया है। ये गूगल मैप से प्राप्त एशिया की पिक्चर है। एशिया में तुर्की, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यमन, ओमान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, मंगोलिया, रशिया आदि देश आते हैं। हमारी स्टोरी लाइन में यूज रंगदार वर्ल्ड मैप में एशिया जिस प्रकार का विस्तार दिखाता है उसकी पिक्चर यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है। इस पिक्चर को हम अपने रंगदार वर्ल्ड मैप के ऊपर अब लोकेट करने की कोशिश करेंगे। एशिया के विस्तार को हमने गूगल मैप में और फिर रंगदार वर्ल्ड मैप में अलग करके देख लिया है और अब यहाँ पर हम उसे पूरे रंगदार वर्ल्ड मैप पे दिखा रहे हैं। इसमें इसको पॉपअप के द्वारा एम्फेसाइज किया जा रहा है। आप अपना ध्यान उस पे फोकस करें और यहाँ देखें रंगदार मैप में एशिया और यूरोप के बीच में जो बॉर्डर है वो काफी क्लियर कट आपको पहचान में आ जाएगा, पर ऐसा क्लीन वर्ल्ड आउट वर्ल्ड मैप में आप नहीं कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ हम एशिया का बैनर लगा देते हैं। क्लीन वर्ल्ड मैप में एशिया के विस्तार की जो छवि उभर के सामने आती है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। आइए अब इसे हम पूरे क्लीन वर्ल्ड मैप पे लोकेट करते हैं। क्लीन वर्ल्ड मैप में एशिया का विस्तार जिस प्रकार दिखता है उसको पॉपअप के द्वारा एम्फेसाइज किया जा रहा है। आप अपना ध्यान इस पे फोकस करें और यही देखें कि क्लीन वर्ल्ड मैप पे आप यूरोप और एशिया के मध्य बॉर्डर क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। चलिए अब यहाँ हम एशिया का बैनर लगा देते हैं। एशिया और यूरोप के मध्य सीमा यूरल माउंटेन रेंज के द्वारा निश्चित मानी जाती है। कई विद्वान तो इसे दो अलग महाद्वीप मानने की जगह एक ही महाद्वीप बताते हुए
इसे यूरेशिया के नाम से संबोधन करने का विचार देते हैं, परंतु यूरोप के बुद्धिजीवी यूरोप और एशिया को दो महाद्वीप ही बताने का समर्थन करते हैं। उनके विचार को समर्थन प्राप्त है। अब हम रंगदार वर्ल्ड मैप पर इस सीमा का निरीक्षण करते हैं। आइए अब यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक ही भूखंड जान के इकट्ठा करके देखते हैं। इसको आपके सामने पॉपअप के द्वारा एम्फेसाइज करके दिखाया गया जा रहा है। आप इस पे अपना ध्यान फोकस करें। यूरोप और एशिया का भूखंड आपस में कैसे दिखते हैं, ये अब आपके सामने है। अब यहाँ एरो पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ये लगभग एक सीधी लाइन के साथ नीचे तक जाता है। यहाँ से नीचे तक कैस्पियन सी और उसके साथ साथ ब्लैक सी तक जाता है। ये लाइन यूरल माउंटेन रेंज के द्वारा बनाई जाती है और ये एक तरह से एशिया और यूरोप की बाउंड्री वॉल बन जाती है। इस यूरल माउंटेन रेंज द्वारा बनाई गई बाउंड्री लाइन के दाएं तरफ एशिया महाद्वीप का क्षेत्र आता है, जो सबसे बड़ा महाद्वीप बनता है। यूरोप का क्षेत्र इस बाउंड्री लाइन के बाईं तरफ है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम का आइलैंड भी आता है और ये स्पेन भी इसके भूभाग का हिस्सा बनता है। चलिए इस वीडियो का अंत करने से पहले इस वीडियो में जो हमने कार्य किया है उसकी एक समीक्षा करते हैं। रंगदार मैप में जो 6 महाद्वीप दिखाए गए हैं वो आपको इस प्रकार सामने एक बार फिर से प्रदर्शित किए जा रहे हैं। जो व्यूअर इस वीडियो में अब तक बना हुआ है उसको बड़ी उम्मीद के साथ ये विनती की जाती है कि वो इस कंटेंट मेकिंग और उसमें फैक्चुअल प्रेजेंटेशन से अगर सच में प्रभावित हुआ है तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। लाइक या डिसलाइक तो बनता ही है, जरूर कर दीजिए। कमेंट और शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।